اللهو 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 الله الحمد لله الحمد لله الذي أبدع على فلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم وبين الماء والطين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد

आपके हालात का जिक्र हो रहा था और उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है अल्लाह तबारक व ताला ने सलाम को बचपने के आलम में उनकी ज़बान मुबारक से हज़रत मियम अलैहा की कौम के सामने ये कहलवाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाह ने मुझे किताब अता फ़रमाई अल्लाह ने मुझे नबी बनाया अल्लाह ने मुझे बाई से बरकत बनाया मैं जहाँ कहीं भी रहूँ अल्लाह तबारक वाली ने मुझे नमाज़ का हुक्म दिया अल्लाह ने मुझे ज़क़़त अदा करने का हुक्म दिया वा वलाती व ज़क़ाती मदूम तो हैया जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँ इसी तरह इससे कबल ये बात आ चुकी है कि मैं अपनी वालिदा का फरमा बरदार हूँ अल्लाह तबारक वाली ने मुझे अपनी वालिदा का और अपने खालिक व मालिक का नाफरमान नहीं बनाया उसके बाद कौम के सामने आपने ये भी कहा कि वसलाम वलित और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं जना गया जिस दिन मैं पैदा किया गया व यौम आमू और जिस दिन मैं मरूंगा, व यऊ मबास भैया और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा, यानी क़यामत के दिन इससे ये बात साबित होती है कि हज़रत रईसात वसलाम मबूद नहीं हैं जैसा कि बाज फिरके जो ईसाइयों के अंदर हैं उनका ये ख्याल है कि हजरत हज़रतलाम मबूद हैं क्योंकि जो मबूद होता है जो इलाह और जो खुदा होता है जो अल्लाह होता है जो खालिक और क्रिएटर होता है उसकी सिफत ये नहीं है कि उसको मौत आ जाए यहाँ पे अल्लाह तबारक ने हज़रतलाम की ज़बानी ओम के सामने ये कहलवाया कि वजुम अमू जिस दिन मैं मरूँ वजा तो हैया और जिस दिन दोबारा जो है ज़िंदा करके उठाया जाऊँ तो जाहिर सी बात है कि खुदा की सिफत और खालिक और मालिक की सिफत ऐसी नहीं हुआ करती है इंसान का खासा है कि अल्लाह तबारक व ताल उसको पैदा भी करता है उसको मौत भी आती है और फिर एक दिन रोज़ महशर में उसको दोबारा अल्लाह तबारक व ताल जिंदा करके उठाएंगे आगे कुरान मजीद ने कहा गाली का ई मरियम क़ल अ हकिल लरीफ़ी तरून हज़रत ईसी सलात वसलाम के बारे में उनकी कौम ने जितनी भी बातें कही हैं वो तमाम की तमाम बातें ग़लत हैं बल्कि इससे कबल राली केबन मरियम से पहले जितनी भी सिफतें अल्लाह तबारक व ताली ने हज़रत सैदन आयीसीत वसलाम की बयान फरमाई है यहाँ पर तो ऊपर जितनी भी सिफतें जितनी भी आदतें जितनी भी बेहतरीन खसलतें हज़रत रीसीत वसलाम के मुतालिक क़रण करीम ने बयान किया ये हजरत हज़रतला बिल्कुल इन तमाम के तमाम ऊपर आयतों में जो मजकूर खसाइल हैं उनके परतव हैं यही उनकी हकीकत रही करीसबनमरी कऊल अक यही हक बात है यह है ईसा इब्न मरियम जिनकी ये तमाम की तमाम तारीफातें ऊपर आ चुकी हैं और यही बात सच है लेकिन ये लोग हजरत सलाम की शख्सियत के बारे में आपस में झगड़ते हैं और आपस में शक करते हैं तबारक व ने यह बयान किया कि ऊपर जो सिफतें गिनाई गई हैं हजरत ईसात वसलाम के मुतालिक यही बातें सच हैं न ये ईसाइयों के, के एक ग्रूह ने एक ग्रुप ने हज़रत सईदी से आ रही सलातम को आबदियत के मकाम से उठाकर उलूहियत के मकाम पर लाख खड़ा कर दिया वो बंदे थे वो अल्लाह के वो आब्द थे वो ग़ुलाम थे अल्लाह के लेकिन ईसाइयों के एक तबके ने आबदियत से उनको उलूहियत यानी खुदा का मकाम अता फरमा दिया खुदा का मकाम दे दिया हजरत ईसा ऐसे नहीं हैं और ना ऐसे हैं जैसे कि यहूदियों के गुरु ने या यहूदी कौम ने हजरत सैदना ईसी अलातम की तनखीस की और आपके नसब के ऊपर उंगली उठाई आपकी वालिदा महतरमा के ऊपर बहुतान तराशी की इफ्तरा परदाजी की और नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला यहूदियों ने हजरत सलातम की तनखीस में इतने आगे हद से गुजर गए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हजरत सलात वसलाम मकदिस के इतने बड़े पारसा नेक मुतकी और परहेजगार मुजाविर काहिन बहुत बड़े प्रीस्ट हजरत यूसुफ नजार यहूदियों ने यहां तक कह दिया कि हजरत वसलाम यूसुफ नजार की नाजायज औलाद हैं नावज़ुबिल्ला यूसुफ नजार की नाजायज औलाद हैं हजरत ईसा हरामी हैं हजरत ईसा बास्टर हैं नाविल्ला इन अल्फाज को दोहराते हुए भी डर सा लगता है कि नबी की शान में ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए जाएं लेकिन यहूदियों ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सईदनासीलातम की ज़ात गिरामी के मुतालिक तो अल्लाह तबारक मताल ने कहा कि इतनी सारी सिफात आलिया जो कुरान मजीद ने बयान किया ये तमाम की तमाम सिफात आलिया और खसायल हमीदा जो हजरत रीसी असलातलम की बयान की गई हैं इनसे ये साबित होता है कि हजरत रीसी असलातलम की निगाह में बहुत ही बरकत वाली है बहुत ही मुस्तसम ज़ात है लेकिन अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हजरत आशा आशा तो सलाम की मकबूलियत को यहूदियों ने ना माना और हजरत आशा आशा तो सलाम के नसब के ऊपर उंगली उठाया और उनकी वालिदा महतरमा के ख़िलाफ़ जो है तरह तरह की जो है बातें ये लोग करने लगे तो तोल्ला तबारक व ने उसकी तरदीद की कि ना तो अबदीत से उलूत के मकाम पर ये फायज़ हैं और ना ऐसे हैं जैसे कि यहूदियों ने हजरत सलाम की ज़ात ग्रामी के मुतालिक जो है लग् और बेहद बातें जो ये लोग कर रहे थे हज़रतलाम ऐसे भी नहीं हैं और हजरत रईसी अलामाम की ज्या ग्रामी बाबरकत है रहमत है और अल्लाह तबारक पता की बारगाह में वो एक मकबूल बंदा है और बंद मकबूल होने की आलाम और बंद ख़ास होने की आलाम ये तमाम की तमाम बातें हैं जो ऊपर गुजर चुकी हैं कि ये बाईस बरकत हैं बाईस रहमत हैं या अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह ने इनको किताब वता फ़रमाई ये तमाम की तमाम इनायात रहमतें और बरकतें अल्लाह तबारक वाल की जानब से जो हजरत सही जनासात को अता की गई ये जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक वाल इतने सारे इनाम और सिर्फ अपने बंद मकबूल पर जो है किया करता है बंद मकबूल को अता करता है लेकिन जो फासिक हो जो फाजिर हो जो गुनहगार हो जिसका नसब सही नहीं हो और जिसका खानदान सही नहीं हो अल्लाह तबारक वाल ऐसे गुनहगार और फासिक व फाजिर के ऊपर इतने सारे इनामत की बारिश नहीं करता अल्लाह तबारक तआला कि इतने इनाम इकराम हजरत ईसा की ज़ात के ऊपर करना यह इस बात की दलील है कि हजरत ईसा वसलम की जत गरामी अल्लाह की बारगाह में बहुत ही मकबूल है लिहाजा यहूदियों ने हजरत रईसत वसलम की मकबूलीत से इनकार कर दिया और ईसाइयों ने इतना गुलू कर दिया कि अबदियत के मकाम से हटा कर उलूियत के मकाम पर ले जाकर उनको फ़ायज़ कर दिया आलम ने फरमाया ये दोनों बातें गलत हैं बल्कि बात वही सच्ची है जो मैंने जिक्र किया है ऊपर कि यानी वो अल्लाह के नबी हैं वो बाई से बरकत हैं वो अल्लाह के रसूल हैं वो बग़ैर बाप के उनकी पैदाइश मुआजाना तरीक़े पर अल्लाह तबारक वाली ने जो है की है जली का यम यह है ईसाई मरियम कौल यही बातें सच हैं जो कुरान ने बयान किया है उनकी ज़ात सिफ़ात के बारे में और उनके जो है मरतबे के बारे में जिसके मुतल ये लोग झगड़ते हैं या आपस में शक करते हैं आगे कुरान मजीद ने कहा माकानलीय तखी विन सुबह नह इदा कदा अमरन फईन नमा यकूज लकून ईसाइयों ने यह कह दिया कि हजरत ईसा के अंदर अल्लाह तबारक वताल हलूल कर गया है अल्लाह उतर गया है लिहाजा ये खुद खुदा बन गए या फिर ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया ईसा मरियम और अल्लाह मिल करके जो है इलाह बने गॉड बने या फिर किसी ने कहा कि ये अल्लाह के बेटे हैं एक गुरु ने कहा हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह को बेटे की क्या जरूरत है अल्लाह को बेटी की क्या जरूरत है उसकी बीबी की जरूरत क्या है कुरान तो कहते हैं अल्लाह सेबल अनु हिम वो नीडलेस है अल्लाह समद है वो वो बेनियाज है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है उसको सब की ज़रूरत है इंसान अपने बच्चे से क्या उम्मीद करता है कि एक बेटा बुढ़ापे के अंदर अपने बाप का सहारा बनेगा उसकी कुत बाजू बनेगा उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा वो उसकी शान होगा वो उसकी ताकत होगा ये तसुर करता है इंसान कि बच्चा बाप का सहारा बनेगा इंसानी खादसा है लेकिन अल्लाह तबारक वाल को इसकी जरूरत ही नहीं है अल्लाह प्रमात माह अंय तखिजम सुबह अल्लाह तबारक वाल के लिए यह शायन निशान नहीं है कि वह अपने लिए किसी को बेटा बना ले कि उसकी कोई औलाद हो उसका कोई लड़का हो उसकी जात इस बात से पाक है यह खुदा का खादसा नहीं यह खालिक का खादसा नहीं यह तो आबद का खादशा है या ला के गुलामों का खादशा है इजाक अमरन फमा यकून लहूकन फकुन जब वो किसी अमर का फैसला करता है तो वो कहता है हो जा तो वो चीज खुद ब खुद हो जाती है। और यहां हजरत ईसा असलात वसलाम की पैदाइश के अंदर सिवाय बाप के जितने भी मामले हैं वो सब के सब आयन कुदरत के बनाए हुए कानून के मुताबिक हुए हैं वो सब के सब फितरी और आमली तरीके से जो हुए हैं वो सब के सब फितरत के मुताबिक है कानून के मुताबिक है जो अल्लाह ने बनाया है इंसान की पैदाइश की माँ के पेट में रहना है हजरत मरियम का प्रेगनेंट होना है फिर जिस तरीके से आम बच्चों की पैदाइश होती है उसी तरीके से उनकी भी पैदाइश हुई है सिवाय बाप के और ये जो बाप का मामला है ये जो बाप का दर्जा है हजरत वसलाम की पैदाइश के अंदर अल्लाह तबारक वाल की जानब से जो हरफ कुन है यह बाप के दर्जे पर आ गया हरफ कुन के जरिए से बाप की जगह पुर हो गई अल्लाह तबारक वाल बाप नहीं है अल्लाह तबारक वाली ने कहा कुन हो जा हुक्म दिया बस हजरत मरियम सलाम प्रेग्नेंट हो गई और इस तरह हजरत आलि सलात सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आगे फिर क़ुरान ने बयान किया व रब्बी व रब्बुकुम सिरातुम मुस्तकीम अब जब बड़े हो गए नबूवत के मकाम पर फायज हो गए अक्सर वेशतर आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि नबूवत चालीस साल के बाद मिली है अम्बिया और रसूल को लेकिन यहाँ पर वसलाम को नबूत चालीस साल से पहले ही मिल जाती है क्योंकि थर्टी थ्री ईयर्स की उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व ताली ने वसलाम को आसमान पर उठा लिया थर्टी टू या थर्टी थ्री तो वसलाम की नबूत का कुल ज़माना डेढ़ साल से तीन साल के बीच का ही है। गोया कि तीन साल से ज्यादा ये नबी नहीं रहे और उसके बाद अल्लाह तबारक वाले ने जब दुश्मनों ने आपको सलेब पे चढ़ाने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक वाले ने फरिश्तों के जरिए से आसमान पे उठा लिया फिर भी कुरब क्यामत में वह हाजिर होंगे फिर वो यहां पर दुनिया के अंदर आएंगे शादी भी करेंगे बच्चे भी होंगे फिर जो है नेचुरल और तबी मौत भी उनकी वाकई होगी ये तमाम की तमाम बातें हादीस के अंदर मौजूद हैं सो जब ये बड़े हो गए नबूत के मकाम पर फायज हो गए तो अब हुक्म दिया वही रबी वरबुम मुस्तीम क्या लोगो बेशक मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब ही है पता चल गया कि ईसा रब नहीं है ईसा गॉड नहीं है वो खुदा नहीं है वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब अल्लाह तबारक पताला ही है उसी की इबादत करो फाबदूह हादसा सिला तो मुस्तकीम और यही सीधा रास्ता है लेकिन हुआ क्या फख्तलफल अहजाब मुंबई निहिम मुख्तलफ गुरूहों ने इख्लाफात कर लिया आपस के अंदर हज़रत ईसा के ता गी के बारे में आपस में इख्लाफात कर लिए फ़वीलिनफ़रु मशहद योम नीम सो हलाकत है बर्बादी है काफिरों के लिए एक बहुत बड़े दिन की पेशी से एक बहुत बड़े दिन के अंदर पेशी से पेश होने से काफिरों के लिए हलाकत और तबाही और बर्बादी का वो दिन होगा उनके लिए असम अब इम الظالمون यऊ मयातूनऊ मफ़ी बीन बहुत ही अच्छा सुन रहे होंगे बहुत ही अच्छा देख रहे होंगे या क्या ही अच्छा सुन रहे होंगे क्या ही अच्छा देख रहे होंगे जिस दिन वो हमारे पास आएंगे यानी क़यामत के दिन आज क़ुरान कहता है अल्लाह की वहदानियत के बारे में आज कुरान कहता है हजरत ईसात वसलाम की त गी के बारे में कि देखो आईसा ये हैं रैली करी सबन मरियम कौलि यही सच कौल है यही सच्ची बात है लेकिन आज ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं देखने के लिए तैयार नहीं आज इनके पास ये आँखें तो हैं जो पेशानी के ऊपर हैं यानी बसारत तो है लेकिन बसरत नहीं है गौर वफिक्र की सलाहियत अल्लाह ने छीन लिया है उनसे लेकिन वो जिस दिन मेरे सामने हाजिर होंगे यौ मयातू ना असमिया बेहिम वाबसिर क्या ही अच्छा देख रहे होंगे क्या ही अच्छा सुन रहे होंगे वालाकिन नवालिमुन अल यौ मफी जलालिम मुबीन लेकिन आज ये सब के सब जालिम खुली हुई गुमराही के अंदर है वंजिर हम यौम हसरत इज कुदी अल अमर वह हम फी गफलत वह हम और उन्हें डराइए उन्हें खबरदार कर दीजिए हसरत के दिन से अब यह हसरत का दिन क्या है हरीश के अंदर आता है कि हसरत अहले जन्नत को भी होगी और हसरत अहले जहन्नम को भी होगी अहले जहन्नम को इस बात की हसरत होगी कि काश मैं दुनिया के अंदर अच्छा अमल कर लेता तो आज मुझे जहन्नम में जाना ना पड़ता और अहले जन्नत को इस बात की हसरत होगी कि काश मैं दुनिया के अंदर और ज्यादा अच्छे आमाल कर लेता तो आज जन्नत के अंदर मेरे दर्जात और बुलंद हो जाते तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसरत अहल जन्नत को भी होगी और हसरत अहल जहन्नम को भी होगी जिस तरीके से कुरान मजीद ने जो मौत के वक्त का नक्शा खींचा है किनफिको मिन कबल मऊत रबीरिन करीब फास खर्च करो अल्लाह के रास्ते में इससे इससे कबल कि तुम्हें मौत आ जाए अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इससे कबल के मौत का आहनी पंजा तुम्हें अपने अंदर दबोच ले उस वक्त इंसान कहे रबी लउला अखर ओ मेरे परिगार थोड़ी सी और मोहलत मुझे दे दे अगर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे, दे देगा मैं खूब तेरे रास्ते में सदका खैरात करूंगा और बहुत ही नेक और फरमाबरदार बंदों के अंदर से मैं हो जाऊंगा अकुम अकुमिनि लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया लेकिन जो वक्त होता है मौत का एक लम्हे के लिए भी टलता नहीं है जो अखिर अल्लाह वल्लाहु उम بما تعملون अल्लाह एक लम्हे के लिए भी एक मोमेंट के लिए भी मौत को मौखर नहीं करेगा जब किसी के मौत का वक्त करीब आ जाए वल्लाहु खबीरुम بما تعملون और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह तबारक मतारा उन तमाम से बाखबर है तो देखिए यहाँ इंसान को आखिरी वक्त के अंदर भी हसरत होती है कि काश मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाता थोड़ी सी मोहलत मिल जाती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका कर सकता ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेक आमाल करके अल्लाह के फरमाबरदार बंदों में अपने आप को शुमार कर लेता लेकिन मौका मिलता नहीं है इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहल जन्नत भी हसरत करेंगे और अहले जहन्नम भी हसरत करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वा अनज़िरहुम यौम अल हसरति इज़ क़ुज़िया अम्र आप उन्हें ओ मेरे हबीब आप उन्हें बाखबर कर दीजिए हसरत के दिन से यौम हसरत से जिस दिन के हर मामले का फैसला कर दिया जाएगा हर मामले का फैसला कर दिया जाएगा और उस दिन हजरत हज़रतलाम की ज़ा गिरानी के मुतालिक भी हकीकत वाजे हो जाएगी दुनिया के सामने कि ये लोग जिन्होंने अपने मन घड़त अदे के मुताबिक हजरत हज़रतलाम के मुतालिक ज़िंदगी गुजार रहे थे और उसी अपने बनाए हुए मन घड़त अकीदों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार दिया और उसी हालत में उनकी मौत हो गई अल्लाह तबारक वाली वहम फी गफल लेकिन आज ये लोग गफलत में हैं लेकिन कल कयामत के मैदान में हजरत रईस आलि वसलाम की ज़ात जरामी के मतलब भी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी कि वो खुदा थे या वो अल्लाह के बंदा थे लेकिन आज ये लोग गफलत में हैं और ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं और आप ऐलान कर दीजिए इ ना <दियाँ> नहन रिस व मना अलै व इैनाज कि वो दिन कयामत का दिन वो होगा के सारी की सारी जमीन के वारिस और इस जमीन के ऊपर जो कुछ भी है सब के वारिस हम हमीर रह जाएंगे अकेले बचे हुए हुकूमत तख्त तो सल्तनत सिर्फ मेरी होगी और आज वक्ती तौर पे आर्जी तौर पे दुनिया के अंदर जो हुकूमत के दावेदार हैं जो मिलकियत के दावेदार हैं और जो बहुत बड़े बड़े ताकतवर समझे जाते हैं ये तमाम की तमाम जो आर्जी हुकूमतें हैं आरजी सल्तनतें हैं दुनिया के अंदर आरजी बादशाहतें जो अल्लाह ने दे रखी है ये तमाम की तमाम हुकूमतें सल्तनतें बादशाहतें जो आरजी हैं ये सब की सब खत्म हो जाएंगी और ये सारी की सारी दुनिया की जमीन और जो कुछ इसके ऊपर है तमाम की तमाम अल्लाह ही तबारक वाली की मिल्कियत होगी इन्ना अलह जो कुछ भी इसके ऊपर है वही न और हमारी ही तरफ तुम सबको एक नए एक दिन लौट करके आना है तो यह पूरी की पूरी रुकू यहां पे जाकर मुकम्मल होती है कि मुकम्मल एक रुकू के अंदर अल्लाह तबारक हज़रत मरियम सलाम और उनके बेटे सैदन हजरत ईसा की कीजाना पैराइश का जिक्र किया है आमीन व आखिर